चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। परंतु अगर चुनाव स्टंट के बहाने ही इस जनता को राहत मिल जाए तो चलो यही सही है। भी हमारे खेत में हर टाइम 5-10 बीजार हर टाइम रहते हैं। सरकार तो जी सब मिलजुल के किसी कैसे विचार है, किसी कैसे विचार है भाई। विरोध पार्टी तो करेंगी कुछ ना कुछ, ना तो मुद्दा चार। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश में हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। लगातार यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है गतिविधि चुनाव को लेकर गांव-गांव कर रहे हैं। हम भी आज यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हैं, हम जहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। और ये गाँव है गढ़ी सकावतपुर, तो यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय बन रही है और क्या लोगों का कहना है चुनाव को लेकर। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे गांव में। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। जी राजेंद्र भाई, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चीज़ें बन रही है, जगह जगह कैंपेन हो रहे हैं, जगह जगह चीज़ें जो क्षेत्रीय नेता है वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। क्या लगता है इस बार क्या माहौल होने वाला है लोकसभा चुनाव को? देखिए, हमारा जिले की लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाइट में है। और ये सही मायने में तो इंडियन जो गठबंधन बना है उसकी नियत पर पूरा डिपेंड करता है कि इंडियन गठबंधन आपस में एक दूसरा कितना सहयोग करे। क्योंकि पिछले चुनाव में हमारी 6 की 6 विधानसभा सीट 19 में बीजेपी ने जीती थी, अगर जीते तो इस बार हमारे हाथ से 4-5 सीटें बीजेपी से निकल चुकी है, केवल 1 सीट बीजेपी के हाथ में है। खैर फर्क तो है। चुनाव आते हैं तो लोगों के मुद्दों की भी बात होती है अक्सर, तो आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन पर काम होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे। देखो, शिक्षा तो सभी को मिल रही है, और रही हमारा गन्ना बेल्ट है सबसे बड़ी बात। हमारे यहाँ कुछ 1-2 मील गन्ना भुगतान में काफ़ी देरी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। रही महंगाई की बात, महंगाई तो जो आपने 10 साल पहले एक प्लॉट 5 लाख का लिया था उसकी कीमत 35 लाख है, और जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता छोड़ी तो सिलेंडर 700 रुपये का था, और 10 साल में 900 का 200 रुपये कोई महंगाई नहीं कह सकते। और जब 2004 में अटल जी ने सत्ता छोड़ी थी तो सिलेंडर केवल 250 रुपये का था, तो वो 10 साल में औसत कहाँ गया, ये लगा ले तो महंगाई तो हम नहीं कह सकते कि महंगाई। जैसे अभी सिलेंडर की आपने बात की, 1150-1150 के करीब सिलेंडर आ रहा था, ये 200 रुपये कम किए, इसके पीछे आपको क्या नजर आती है? देखो, इसे चुनाव को लेकर चुनाव स्टंट तो है ही है, परंतु अगर चुनाव स्टंट के बहाने ही जनता को राहत मिल जाए तो चलो यही सही है। सरकार के मोदी जी के भी 9-10 साल पूरे हो रहे हैं, तो आपको अभी भी अपने क्षेत्र में ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई देती है जिस पर काम करना चाहिए? सरकारें तो आती जाती रहती है, सत्ता में आज ये है कल को कोई और होगा, लेकिन जनता समस्या पर बात करती है, तो ऐसी कौन सी समस्या आपको नजर आती है? किसान क्षेत्र में 2 समस्या, एक तो गन्ना भुगतान, और ये जो आवारा पशु का किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान, गन्ना का भुगतान भी। उधर कैमरा लगा दो एक बार, देखो वे भी जा रहे, अभी हमारी जुआर में घुस रहे। ठीक है, मेरा नाम देवी सिंह है, गांव गढ़ी सकावतपुर का रहने वाला हूं। अब भी हमारे खेत में हर टाइम 5-10 बीजार हर टाइम रहते हैं। अब हम इनसे है परेशान, हमने तारबंदी भी कर रखी पर बहुत ज़्यादा परेशान। तो सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है गायें भैंस, इसकी जी भैंस उसकी गायें होगी। लेकिन जो हाल ही की जो सरकारें हैं वो भी इस पर काम कर रही है, काम कर रही हैं सरकारें, गाय के मुद्दे पर भी काम कर रहे हैं। आप देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में आया था निकल के गाँव सेवा को लेकर, लेकिन आज ये बंदोबस्त है या नहीं है उत्तर प्रदेश में? गाय का नहीं जी, अभी गाय पशुओं का भी हुआ नहीं जी, कुछ पर काम नहीं कर पाई। नहीं, यहाँ पे नहीं हुई जी, और कहीं कर दिया हो हमें पता नहीं, हमारे गांव में तो हुआ नहीं जी। के यहाँ लोकसभा चुनाव है पूरे देश में जी, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या चेहरा बनेगा प्रधानमंत्री पद? भाई प्रधानमंत्री तो फिलहाल तो जो है मोदी नजर आ रहे हैं, हमें तो और चेहरा नजर नहीं आ रहा, सारे ऐसे ही। तो काम किए मोदी जी ने, बहुत बढ़िया काम कर रखे, बढ़िया। अब यहाँ बैठे सारे के सारे, देखो कि कर बैठे बिल्कुल, कोई भी किसान है, हम भी किसान है जी। जैसे भाई समस्या की बात कर रहे थे किसान, हाँ नहीं कुछ समस्या तो है, समस्याओं पे काम नहीं हुआ? हाँ नहीं कुछ समस्याओं पे तो काम हो रहा, कुछ रह रही जो वो भी कोई बात नहीं होती। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार तो जी सब मिलजुल के किसी कैसे विचार है, किसी कैसे विचार है। पहले जो राजनीति थी ना, पहले जो लोग थे वे अनपढ़ थे, हमारे बुजुर्ग वे व्यक्तिगत पूजा करते थे, जैसे चौधरी चरण सिंह की पूजा करते थे हमारे यहाँ लोग, इंदिरा जी की पूजा होती थी, दो ही पार्टी थी, ये मुलायम देवीलाल ये सब चौधरी चरण सिंह के चेले। अब जो है काम की पूजा होती है, अब हमारे काम की पूजा होती है, काम को महत्व देते हैं लोग। अब पढ़ा लिखा वर्ग हो गया, युवा वर्ग के हाथ में राजनीति आएगी, उसको पता है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है,
और जब हमारा भविष्य तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। और भी लोग हैं जी, नमस्कार जी भाई साहब। हाँ जी, 5 मिनट मिल जाएगी हमें भी। क्या नाम भाई? कुलदीप। कुलदीप। अच्छा कुलदीप भाई, लोकसभा चुनाव है आपके यहाँ, आपके मतलब पूरे देश में अभी 2024 में चुनाव होंगे, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में बीजेपी, हाँ, और भी बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है, उनको कैसे? यहाँ तो बीजेपी का है। काम किए बीजेपी ने पिछले 10 सालों में? बहुत अच्छे काम किए। क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर क्या रहेगा, कौन इस बार भारी पड़ेगा? देखो, हार जीत तो कह नहीं सकते, वो तो चुनाव के ऊपर ही डिपेंड करे, लेकिन जो कुछ भी चल रहा ठीक ही चल रहा, यहाँ का माहौल भी अच्छा है और काम भी बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता के जो काम है, मुद्दे हैं बहुत सारे, उन पर काम हुआ है? ये तो लगातार चलते रहे, कभी किसी के आज तक कभी किसी के पूरे तो ये नहीं। मान लिया हमारा कोई काम ये है, हमारा ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, सबके अपने अपने सोच है, लेकिन सरकार अपने तरीके से ठीक काम कर रही है। क्या नाम बाबू जी? सुशील कुमार जी। क्या लग रहा है चुनाव है आपके यहाँ लोकसभा? है जी, है। लगता है काम किए पिछले 10 साल? बढ़िया काम हो रहा है 10 साल में, योगी ने बढ़िया मजा बांध रखा है। किस तरह का मजा? अरे खुले क्वार सुवा दिए, इस तरह बढ़िया के जा, कुछ नहीं चाहता, मजा आ रहा भाई। आप कह रहे क्राइम कम हुआ है? हाँ बिल्कुल, जीरो कर रखा है यहाँ तो, मुझे भरना करो सबसे बड़ा आतंक था। क्या नाम आपका? शिव कुमार जी। जी शिव भाई, लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं पूरे देश में, क्या लग रहा है क्या माहौल बनेगा? दो गठबंधन आमने सामने, एनडी और इंडिया। अरे गठबंधन कुछ ना करे भाई, यहाँ तो बीजेपी है, संजीव बालियान जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जय। बस भाई, अगर कोई हमारे गांव के बतावा, कोई छोटा सा फंक्शन हो या बड़ा हो या कोई एक्सपायर हो जा, उन्हें पता चलता है गैल आ जा, वे नहीं आते उनका भाई आ जा, उनके फादर आ जा, ऐसी कोई वो नहीं है, मिलते जुलते बढ़िया बोल हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग राय रखते हैं कि काम नहीं किया सरकार ने। भाई विरोध पार्टी तो करेंगी कुछ ना कुछ, ना तो मुद्दा चाह भला भाई, वैसे कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या नाम भाई आपका? पवन कश्यप जी। कश्यप साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मोदी? जिस तरह के काम आप जो जनता को बताना चाहे। जनता क्या बदमाशी खत्म कर दी ना योगी ने, और भी बहुत सारी चीजें हैं उन पर भी काम, और तो सब चलते ही रहे हो सब काम, और कोई दिक्कत नहीं, आदो मौज ले रहे सब खुले सवेरे। इस बार बाजी मार लेंगे सांसद साहब का, और सांसद तो टक्कर का मुकाबला होगा तुम लोगों का, गठबंधन का इसका। अरे कौन पे बता के पहले आमने सामने के, आमने सामने का दोनों का चुनाव होगा गठबंधन का। पहले से हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर थे, जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, और ये गढ़ी सकावतपुर गांव है, जहाँ पर हमने आसपास जो किसान लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनसे बातचीत की लोकसभा चुनाव को लेकर। लोगों का कहना है कि बीजेपी अभी भी इस क्षेत्र में मजबूत बनी हुई है। जुड़े रहे शीशे से, आपको खबरें उत्तर प्रदेश से आती रहेगी। धन्यवाद। फेसबुक पर